हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शादाब खान ऑटोमोबाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने आइसर 1110 प्रो एक्सपी की हेडलाइट लेकर के आया हूं, जो कि जेन्युइन हेडलाइट है। जैसा कि आप डब्बे पे देख सकते हो, इस पर लिखा हुआ भी है आइसर 100% जेन्युइन पार्ट्स, यहां पर लिखा हुआ है नीचे। तो चलिए, आपका टाइम और डाटा ना ख़राब करते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस पर यहाँ पर कुछ जानकारी है, ये दी हुई है, ये कैमरे में ठीक से आ भी नहीं पा रहा है। वी कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड, सिटी वॉक्स, साकेत, नई दिल्ली, 1 यूनिट है। और यहाँ पर ही लिखा हुआ है इसका प्राइस इसका लिखा हुआ है 4725 रुपये MRP है। इसका हेडलैम्प असेंबली है और लेफ्ट LH मतलब लेफ्ट हैंड साइड की है। और फिर इस पर नीचे कुछ डिटेल्स है, हैंडल विद केयर, एंड नीचे फिर इसमें आपके कुछ और दिया हुआ है, जो कि आपका यहाँ पर ये सेफ एक्सप्रेस लिमिटेड करके है कोई कंपनी, जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का अथॉरिटी है जिसके पास, ठीक है। और ये बनाई वी कमर्शियल कंपनी नहीं है, ये आपको दिख ही रहा है ऊपर, ये वी कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ओपन करता हूँ लाइट को, अब इसे बाहर निकालता हूँ। ये आइसर की 1110 प्रो 1110 XP7। फ्रेंड्स, ये लाइट आपकी कैंटर चार पहिए की आती है, जो फोर व्हीलर उसके लिए है, और वायरिंग सही थी ये लाइट, इसमें होल्डर सॉकेट वगैरह सब कुछ है। ये फ्रेंड्स, फाइनली आपकी लाइट ओपन हो गई है। मैं इसको थोड़ा सा, और लाइट में हाई बीम, लो बीम और इंडिकेटर और पार्किंग लाइट का बल्ब भी है। तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने ये लाइट है, आप देख सकते हो लाइट काफ़ी अच्छी, काफ़ी सुंदर है। और ये आइसर की है, जेन्युइन लाइट्स है। आपको इसका होलोग्राम है, लोगो दिख गया होगा आइसर का, और ये इधर भी, इस साइड भी आपको दिख गया होगा। लाइट फ्रंट से जो है ये कांच की तो नहीं आती है, प्लास्टिक्स की है। और अंदर इसकी फिल्म वगैरह है, दो ट्यूब है, एक हाई बीम एक लो बीम। और बेसिकली ये ऊपर की हाई बीम रहती है, नीचे की लो बीम, इस तरीके से लाइट रहती है। और इधर इसमें नीचे इंडिकेटर है, और ऊपर ये पार्किंग लाइट है आपकी। और मैन तो इसमें और तो कुछ खास नहीं है, लेकिन लाइट का प्राइस खास है। प्राइस 4725 रुपये लिखा हुआ है इस पर। अभी मैं बताऊंगा आपको ये कितने की पड़ी मुझे। और कैमरा आज ठीक से सेट नहीं हो पाया इतना। फिर इसमें कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है, बस आप लाइट देख लीजिए कैसी होती है। पीछे से कुछ इस तरह की होती है, ये एडजस्टिंग के लिए एक स्क्रू रहता है, वाशर, कटिंग वाशर रहता है। और इधर ये मेन वायरिंग का होल्डर है, ये सॉकेट है, इसमें पीछे से टर्मिनल लग जाते हैं। और ये इधर आपका ऊपर पार्किंग लाइट, नीचे इंडिकेटर, और ये हाई बीम लो बीम इस तरीके से, और ये एडजस्टिंग मशीन लाइट को ऊपर नीचे इधर उधर घुमाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरे इस वीडियो में मेरे पास इतनी जानकारी थी, और मैंने आपको लाइट दिखा दी कैसी है। ये आइसर 1110 प्रो 1110 XP7 के लिए है हेडलाइट, काफ़ी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, अगर आपको लगे कि भी किसी के काम की वीडियो हो सकती है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। गाड़ी के सामने की ग्रिल, जिस पर बड़ा बड़ा आइसर लिखा हुआ है, ये मुझे जेन्युइन 2500 रुपये की पड़ी। आपको 2500 के आसपास ये कहीं से भी किसी भी शॉप से मिल जाएगी। अगर GST का बिल होगा तो थोड़ी महंगी भी पड़ सकती है, 2600 रुपये के आसपास भी पड़ सकती है। और ये मैं दोनों हेडलाइट लाया था गाड़ी की, आप फोटो में देख सकते हो। और हेडलाइट की कीमत, एक लाइट की कीमत है 4200 रुपये, 4200 रुपये की एक लाइट पड़ी है विद वायरिंग। जेन्युइन लाइट है बिल्कुल, और वायरिंग, होल्डर, सॉकेट वगैरह, बल्ब, ट्यूब सब कुछ इसके साथ है लाइट के। और दोनों लाइट मुझे 8400 रुपये की पड़ी, एक लाइट 4200 रुपये की, 4200 रुपये की एक लाइट। तो चलिए दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।